अगला इंटीजर टाइप जो सवाल है ये टॉपलिंग और स्लाइडिंग से रिलेटेड है। बताया गया कंसीडर अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, है ना, क्यूब का जो साइड है वो है ए, ऑन अ रफ फ्लोर दैट इज टू बी मूव्ड बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ एट ए पॉइंट बी एवव इट सेंटर ऑफ मास। देखेंगे जैसे ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन है तो इससे बी ऊपर एक फोर्स लगाया गया है ना। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इज इक्वल टू 0.4 द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 100 इंटू बी बाई ए फॉर अ बॉक्स नॉट टू टॉपल बिफोर मूविंग। कहने का मतलब ये है कि टॉपल नहीं करे, इतना फोर्स लगाए हम, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है इसका, जिसे कि हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये टॉपल नहीं करे, स्लाइड कर जाए। स्लाइड करना है, टॉपल नहीं करना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, है ना, जैसा कि मैंने वीडियो लेक्चर में तरीका बताया है उसी तरीके को अप्लाई करेंगे यहाँ भी। तरीका क्या बताया था, हमेशा पहले निगेटिव कंडीशन निकालना चाहिए। निगेटिव मतलब स्लाइडिंग नहीं करने का कंडीशन, टॉपल नहीं करने का कंडीशन, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ से बी ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये हाइट सेंटर जो है ये आएगा ए बाई टू हाइट पर, क्योंकि क्यूब का साइड लेंथ ए है। यहाँ से एम जी फोर्स लगेगा, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी ए बाई टू आएगा, ये भी टोटल ए है, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग, मतलब ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे कि ये स्लाइड नहीं करे। पीछे जो है फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू इंटू एन, एन यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा कहीं, है ना, ऐसे एन का वैल्यू एम जी के इक्वल होगा, तो मैं इसको सीधा म्यू इंटू एम जी लिख सकता हूँ। तो स्लाइड कब नहीं करेगा, जब ये फोर्स इस म्यू एम जी से छोटा होगा, यानी एफ शुड बी लेस देन म्यू एम जी, तो उस केस में ये स्लाइड नहीं करेगा। उसी तरह से कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग, टॉपल नहीं करे उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि इस पॉइंट के वो टॉपल कर सकता है, ऐसे उलट सकता है ना। तो इस फोर्स का जो टॉर्क है वो छोटा होना चाहिए एम जी के टॉर्क से। एफ क्या करेगा, टॉपल कराने की कोशिश कर रहा है, एम जी टॉपल होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको एक्सिस लूंगा, फ्रिक्शन फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आएगा, ठीक। तो इसका जो टॉर्क है एफ का, वो टॉर्क छोटा होना चाहिए, एफ इंटू ये यहां से ये हाइट कितना हो जाएगा, ए बाई टू प्लस बी, ए बाई टू प्लस बी, ये हो गया टॉर्क फोर्स, और उसके लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ये टॉर्क है फोर्स का, ये लेस देन होना चाहिए एम जी का टॉर्क से, एम जी इंटू ए बाई टू, एम जी का लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू है, ठीक। इसमें नॉर्मल हमने कंसीडर नहीं किया है, जब नॉर्मल का टॉर्क ले लेते ना तो यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं आता, इक्वालिटी आता है ना। मतलब ये है कि एफ का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क दोनों जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल हमने हटा दिया है इसीलिए लेस देन हो गया है, ठीक। अब ये दोनों ही निगेटिव कंडीशन है, कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग, कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग। हमें पता करना है कंडीशन फॉर नॉट टॉपलिंग, स्लाइडिंग तो हो, मूव तो करेगा लेकिन टॉपल नहीं करेगा। तो पहला चीज तो ये है कि स्लाइडिंग यहाँ पर होना है, स्लाइडिंग होना है तो यहाँ पर इनइक्वालिटी हटाएंगे और इक्वालिटी लगाएंगे, है ना, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी हो गया। टॉपलिंग नहीं होना है तो ये तो इनइक्वालिटी अभी भी बना रहेगा, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों मिला करके फाइनल जो है वो कंडीशन आएगा। तो इसको मिलाते हैं, एफ के जगह पर म्यू एम जी रखते हैं, इसमें ये होगा म्यू एम जी इंटू ए बाई टू प्लस बी लेस देन एम जी ए बाई टू, तो एम जी यहाँ से और एम जी यहाँ से कैंसिल हो गया। म्यू का वैल्यू दिया गया है 0.4, मतलब कि 4/10 लिख सकते हैं, है ना, ये लिखा जाएगा ए प्लस टू बी बाई टू लेस देन ए बाई टू,
ये टू और ये टू कैंसिल, इसको कर सकते हैं 2/5, ये 10 है ना। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे ये आएगा 2a प्लस 2 इंटू 2b यानी कि 4b इज लेस देन 5, इधर आएगा तो 5a हो जाएगा है ना। तो 4b लेस देन 3a, तो by a लेस देन 3/4 हो गया। by a का वैल्यू लेस देन 3/4 होना चाहिए, तो by a का अगर मैक्सिमम वैल्यू आप निकालेंगे तो इक्वालिटी हो जाएगा जस्ट, है ना। इससे छोटा ही आना है by a का वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3/4 रख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, by a इंटू 100 का मैक्सिमम वैल्यू, देखेंगे यहां पर पूछा गया है 100 इंटू by a, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 100 इंटू by a। तो by a का मैक्सिमम वैल्यू तो ये है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, तो देखेंगे ये आ जाएगा 75, है ना, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है 75।